गुड मॉर्निंग एवरीवन. हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ कमर्शियल बैंक. कमर्शियल बैंक्स, जैसे कि हमने अपने पिछले लेक्चर्स में बात की, कमर्शियल बैंक्स वो इंस्टीट्यूशंस हैं जो एक्सेप्ट करते हैं डिपॉजिट्स पीपल से और लोन एडवांस करते हैं, शॉर्ट टर्म लोन्स, मीडियम टर्म लोन्स एंड लॉन्ग टर्म लोन. कमर्शियल बैंक्स क्रेडिट भी क्रिएट करते हैं और इन्हीं बैंक को कमर्शियल बैंक्स कहा जाता है. इंडिया में अगर हम बात करें तो ये जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो एस्टैब्लिश्ड होते हैं अकॉर्डिंग टू जो प्रोविजंस हैं इंडियन कंपनीज एक्ट के. तो कमर्शियल बैंक्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. पहला है शेड्यूल्ड बैंक्स एंड दूसरा है नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स. शेड्यूल्ड बैंक कौन से होते हैं? जो बैंक्स लिस्टेड हैं इन द सेकेंड शेड्यूल ऑफ रिजर्व बैंक वो शेड्यूल्ड बैंक्स कहलाएंगे. इन बैंक्स को सबमिट करनी होती है डिटेल्स अपनी एक्टिविटीज की रिजर्व बैंक को एवरी वीक. और इनकी जो मिनिमम पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व फंड होता है वो 5 लाख रुपीज़ का होना चाहिए. नॉन शेड्यूल बैंक कौन से होते हैं? वो बैंक्स जो सेकंड शेड्यूल ऑफ रिजर्व बैंक की लिस्ट में नहीं है और ना ही उनके ऊपर आरबीआई का कोई इफेक्टिव कंट्रोल होता है. तो इन बैंक्स को भी सबमिट करनी होती है अपनी एक्टिविटीज़ की वीकली रिपोर्ट रिजर्व बैंक को. पेड अप कैपिटल जो होती है इन बैंक्स की वो लेस देन 5 लाख रुपीज़ होती है. तो यहाँ पे ये डायग्राम दिया गया है, यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा स्ट्रक्चर कमर्शियल बैंक्स का. कमर्शियल बैंक्स को हम डिवाइड करते हैं डिफरेंट पार्ट्स में, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, फॉरेन बैंक्स, पेमेंट्स बैंक. पब्लिक सेक्टर बैंक्स को हम फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, नेशनलाइज्ड बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड रीजनल रूरल बैंक्स. सबसे पहले बात करते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स की. पब्लिक सेक्टर बैंक्स वो बैंक्स होते हैं जिन्हें ओन कंट्रोल और मैनेज गवर्नमेंट करती है. मार्च 2018 को 76 पब्लिक सेक्टर बैंक्स इंडिया में एग्जिस्ट करते थे, जिनमें से 56 जो थे वो रीजनल रूरल बैंक्स थे. पब्लिक सेक्टर बैंक्स को हमने आगे 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड इट्स सब्सिडरी बैंक्स, नेशनलाइज्ड बैंक्स एंड रीजनल रूरल बैंक्स. जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है वो अब सिर्फ एक सिंगल लार्जेस्ट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, उसकी सब्सिडरीज अब एग्जिस्ट नहीं करती है. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फर्स्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है कंट्री का. ये एस्टैब्लिश हुआ था 1955 में. 1959 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सब्सिडरी एक्ट पास हुआ था और उसके एक्ट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग 7 बैंक्स को जो प्रिंसली स्टेट्स थे उन्हें सेटअप किया गया एज अ सब्सिडरी बैंक ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. और वो सब्सिडरी बैंक कौन कौन से थे? स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र. एट प्रेजेंट इन सभी सब्सिडरी बैंक्स को मर्ज कर दिया गया है SBI के साथ. नेक्स्ट इज नेशनलाइज्ड बैंक. 1969 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनलाइज किया 14 बैंक्स को. उसके बाद 1980 में अनदर 6 बैंक्स को नेशनलाइज किया गया और जो टोटल नंबर था आपके नेशनलाइज्ड बैंक्स का वो 20 हुआ. जो ये नंबर था तो वो 19 आ गया जब आपका न्यू बैंक ऑफ इंडिया मर्ज हुआ पंजाब नेशनल बैंक के साथ. नवंबर 2013 में भारतीय महिला बैंक को एस्टैब्लिश किया गया पब्लिक सेक्टर में. मार्च 2017 में BMB को मर्ज किया गया SBI के साथ. गवर्नमेंट ने अप्रूव किया मर्जर विजया बैंक एंड देना बैंक का विद बैंक ऑफ बड़ौदा. यहाँ पे आपको एक असाइनमेंट बनता है, वो ये कि थोड़े दिन पहले फ्यू मंथ्स बाद जो गवर्नमेंट है उसने अलाउ किया है मर्जर डिफरेंट बैंक्स का एक दूसरे के साथ. तो आपको उसकी एक लिस्ट जो है वो सर्च आउट करनी है और वही आपका असाइनमेंट है जिसे आपको सेंड करना है अपने गूगल क्लासरूम में. नेक्स्ट है हमारा रीजनल रूरल बैंक्स. ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ बैंकिंग कमीशन 1972 ऑन अक्टूबर 2 1975 5 रीजनल रूरल बैंक्स को इस्टैब्लिश किया गया. जो उनका मेन फंक्शन था वो था फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करवाना स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को, रूरल वर्कर्स को, इन ऑर्डर टू डेवलप रूरल इकोनॉमी. जो कैपिटल है इन बैंक्स की वो प्रोवाइड करवाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और फाउंडर बैंक्स. अप्रैल 2018 में 56 रीजनल रूरल जो बैंक्स हैं वो इकोनॉमी में फंक्शन कर रहे थे.
नेक्स्ट जो हमारा आता है दैट इज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स. प्राइवेट सेक्टर बैंक्स वो बैंक्स होते हैं जिनकी जो ऑनरशिप है वो प्राइवेट सेक्टर के पास होती है, तो उन्हें हम प्राइवेट सेक्टर बैंक्स कहते हैं. 1991 में जब आपके इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए तो जो रिजर्व बैंक है उसने फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बैंक्स इन प्राइवेट सेक्टर उसको अलाउ किया. और एज ऑन March 31, 2018 25 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स वर्क कर रहे थे इंडिया में. और इन जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का जो कस्टमर सर्विसेज है वो हाई लेवल का होता है. जो मेन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं वो है ICICI बैंक, HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, फेडरल बैंक, येस बैंक, इंडसइंड बैंक्स एक्सेट्रा. नेक्स्ट इज कोऑपरेटिव बैंक्स. कोऑपरेटिव बैंक्स भी एक इम्पॉर्टेंट फॉर्म है ऑर्गेनाइज बैंकिंग सेक्टर का. यहाँ पे इस बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन में जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उसमें जो लोग होते हैं वो वॉलंटरली ज्वाइन करते हैं इक्वल बेसिस पे फॉर द बेटरमेंट ऑफ देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट. कोऑपरेटिव बैंक्स वो बैंक्स होते हैं जो एस्टैब्लिश किए गए हैं इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज एक्ट. इंडिया में जो एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज है फर्स्ट टाइम वो जो फॉर्म हुई थी वो हुई थी 1904 में. मेन कोऑपरेटिव बैंक्स कौन कौन से हैं? प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये सोसाइटीज ऑपरेट करती हैं विलेजेस में. मोस्ट ऑफ द स्टेट में जहाँ पे आपके 10 से ज़्यादा पर्सन ज्वाइन कर रहे हैं कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ को तो वो प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज़ की फॉर्म में होता है. ये सोसाइटीज़ एक्सेप्ट करती हैं डिपॉजिट्स अपने मेंबर्स से और शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म लोन्स उन्हें प्रोवाइड करवाती है. प्रेजेंटली 95595 प्राइमरी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ जो हैं वो फंक्शन कर रही है कंट्री में विद द मेंबरशिप ऑफ 10 करोड़ फार्मर्स. देन सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, जो ये बैंक्स होते हैं वो सुपरवाइज करते हैं प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को किसी भी डिस्ट्रिक्ट की या एनी पार्ट ऑफ इट. जो बैंक्स हैं वो प्रोवाइड करवाते हैं फाइनेंशियल असिस्टेंस इन सोसाइटीज़ को. और एज ऑन March 31, 2018 नंबर जो था इन बैंक्स का वो था 370. देन स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, हर एक स्टेट का मेन कोऑपरेटिव बैंक होता है जो सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स जो हैं स्टेट के उसको रन करता है और ये उन्हें मनी लेंड करता है. एज ऑन March 31, 2018 जो नंबर था स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स का वो 33 था. नेक्स्ट इज फॉरेन बैंक्स. अप टू March 2018 44 फॉरेन बैंक्स जो हैं अपनी ब्रांचेज इंडिया में उन्होंने खोली हुई हैं. वो कौन कौन से हैं? सिटी बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, ABN एमरो बैंक, अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक, हांगकॉन्ग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन, बार्क्लेस बैंक, रॉयल बैंक ऑफ कैनेडा, डेश्यू बैंक एक्सेट्रा. फॉरेन बैंक्स होते क्या हैं? फॉरेन बैंक्स वो बैंक्स होते हैं जो अपनी होम कंट्री में रजिस्टर्ड हैं लेकिन वो फंक्शनिंग किसी दूसरी कंट्री में जाके अपनी ब्रांचेस खोल के वहाँ पे कर रहे हैं. नेक्स्ट है आपका पेमेंट बैंक. ये न्यू टाइप ऑफ बैंक है जो सेटअप हुआ था अंडर दी गाइडलाइंस जो RBI ने इशू किए थे टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन. एक जो पेमेंट होता है वो सारे जो बैंकिंग ऑपरेशंस होता है वो कर सकता है लेकिन कुछ लिमिट्स हैं. जैसे वो एक्सेप्ट कर सकता है डिमांड डिपॉजिट लेकिन सिर्फ अप टू 1 लाख रुपीज तक का. इशू कर सकता है डेबिट कार्ड को, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, यूटिलिटी बिल पेमेंट, थर्ड पार्टी फंड ट्रांसफर, विड्रॉल फैसिलिटी ये प्रोवाइड करवा सकता है. लेकिन दो चीज़ें जो ये नहीं कर सकता दैट इज़ ये लोन्स एडवांस नहीं कर सकता और क्रेडिट कार्ड्स इशू नहीं कर सकता. पेमेंट बैंक हेल्प करता है इन स्प्रेडिंग बैंकिंग इन अनबैंक्ड एरियाज और ये बैंक प्रमोट करते हैं डिजिटल बैंकिंग को इंडिया में. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ डिफरेंस क्या है पब्लिक सेक्टर बैंक्स और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में. बोथ पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स मेजर रोल प्ले करते हैं इंडियन बैंकिंग सिस्टम. इंडिया में 20 पब्लिक सेक्टर बैंक्स बिसाइड्स 55 RRBs एंड 25 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ऑपरेट कर रहे हैं. सम ऑफ द प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जो ऑपरेट कर रहे हैं इंडिया में ICICI बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, येस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक सेक्टर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं. पब्लिक सेक्टर बैंक्स में जो ऑपरेट कर रहे हैं इंडिया में SBI, PNB, बैंक ऑफ इंडिया, कॉरपोरेशन बैंक, कैनरा बैंक एक्सेट्रा. मेन डिफरेंस जो है पब्लिक सेक्टर बैंक्स और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में वो क्या है? सबसे पहला ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, मेजॉरिटी जो ऑनरशिप है पब्लिक सेक्टर बैंक में वो गवर्नमेंट के पास होती है जबकि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को ओन और कंट्रोल प्राइवेट सेक्टर करता है. देन एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी की बात करें तो जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं वो ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं इन कंपैरिजन टू पब्लिक सेक्टर बैंक्स. पर एम्प्लॉय बिजनेस जो है वो ज़्यादा है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में और उनके एम्प्लॉयज़ भी ज़्यादा पोलाइट और कर्टियस होते हैं.
नेक्स्ट इज सोशल वेलफेयर आस्पेक्ट. पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो हैं वो ज़्यादा सोशल वेलफेयर आस्पेक्ट्स को फोकस करते हैं एज कम्पेयर टू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स. देन पॉलिटिकल इंटरफेरेंस. पॉलिटिकल इंटरफेरेंस पब्लिक सेक्टर बैंक्स में ज़्यादा होती है. पॉलिटिशियंस इंटरफेयर करते हैं जब भी सेंक्शनिंग ऑफ लोन्स करना हो या ओपनिंग ऑफ न्यू ब्रांचेस, अपॉइंटमेंट ऑफ बैंक एम्प्लॉयज एक्सेट्रा जैसे डिसीजंस लेने होते हैं. प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है वो कम होता है. नेक्स्ट इज एम्प्लॉय वेलफेयर. पब्लिक सेक्टर बैंक्स ज़्यादा एम्प्लॉय वेलफेयर ऑफर करते हैं, जॉब सिक्योरिटी ऑफर करते हैं अपने एम्प्लॉयज को. देन नेक्स्ट इज योर क्रिटिसिज्म ऑफ कमर्शियल बैंक्स. सबसे पहला है लैक ऑफ एफिशिएंट बैंकिंग सर्विसेज. बैंक्स फेल हुए हैं एफिशिएंट सर्विसेज प्रोवाइड करवाने में इन रूरल एंड सब अर्बन एरियाज. जो एम्प्लॉयज़ हैं बैंक्स के जो रूरल एरियाज में काम कर रहे हैं उन्हें बहुत कम नॉलेज होती है बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की, डिफ़िकल्टीज़ की रूरल एरियाज के. अर्बन एरियाज में क्योंकि हैवी रश होता है, लिमिटेड पब्लिक डीलिंग आवर्स होते हैं, तो वेटिंग टाइम जो होता है बिजनेस ट्रांजेक्शन करने का वो ज़्यादा लंबा हो जाता है. और कई बार जो बैंक एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका बिहेवियर भी काफ़ी रूड होता है. कंप्लेंट्स कस्टमर की टाइमली रेड्रेस्ड नहीं होती है. नेक्स्ट इज फेल टू मोबिलाइज रूरल डिपॉजिट्स. बैंक्स ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहे हैं रूरल डिपॉजिट्स को मोबिलाइज करने के लिए क्योंकि कई विलेजेस में तो बैंकिंग फैसिलिटी ही अवेलेबल नहीं होती. पीपल जो है रूरल एरिया के स्टिल प्रेफर करते हैं डिपॉजिट करवाना पोस्ट ऑफिस के साथ या लोकल मनी लेंडर्स के पास. देन लेस लोन टू पुअर सेक्शंस. बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सिक्योरिटी बैंक कम लोन प्रोवाइड करवाता है लैंडलेस लेबरर्स, वर्कर्स, स्मॉल ट्रेडर्स एक्सेट्रा को, और उनको डिपेंड होना पड़ता है लोकल मनी लेंडर्स के ऊपर. नेक्स्ट इज पॉलिटिकल इंटरफेरेंस. पब्लिक सेक्टर बैंक्स इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं अपनी वर्किंग में. पॉलिटिशियंस इंटरफेयर करते हैं जब भी एलोकेशन ऑफ लोन्स, ओपनिंग ऑफ न्यू ब्रांचेस, अपॉइंटमेंट ऑफ बैंक एम्प्लॉयज एक्सेट्रा के डिसीजंस लेने होते हैं और ये नेगेटिवली इफेक्ट करता है उनकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी की. नेक्स्ट इज बायसनेस इन वर्किंग ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स. जो पीपल हैं वो सेटिस्फाई नहीं है विद द वर्किंग ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स. जो मैनेजर्स हैं वो बायस होते हैं अपनी वर्किंग में. कई बार वो हैरास करते हैं नॉर्मल पब्लिक को और सेम टाइम पे पोलाइट होते हैं उन पर्सन्स को जिनको वो नोन है. नेक्स्ट इज एक्सेसिव क्रेडिट क्रिएशन. एक्सेसिव क्रेडिट क्रिएशन बैंक्स करते हैं जिसकी वजह से मनी सप्लाई इंक्रीज होता है और इंक्रीज होने की वजह से जो परचेजिंग पावर है बोरोअर्स की, क्योंकि आपने इजीली अवेलेबल करवाया क्रेडिट तो उससे परचेजिंग पावर जो है बोरोअर्स की इंक्रीज हो गई जिसकी वजह से डिमांड इंक्रीज हो गया और जिसकी वजह से इन्फ्लेशन होती है. देन माल फंक्शनिंग ऑफ बैंक्स मे लीड टू फाइनेंशियल क्राइसिस. बैंक्स जब एक्सेसिव लोन्स दे रहे हैं बिना एडिक्वेट सिक्योरिटी के, पुअर रिकवरी हो रही है लोन्स की, तो जो लोन्स हैं उनके जो NPAs हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं. नेक्स्ट इज योर हायर इंटरेस्ट रेट. इंडिया में बैंक जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है वो हायर है एज कम्पेयर टू जो बैंक्स ऑपरेट करते हैं डेवलप्ड नेशन में. तो इसका बैड इफेक्ट होता है ऑन डोमेस्टिक इंडस्ट्री एज जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वो कम्पीट नहीं कर सकती है फॉरन एंटरप्राइजेस के साथ ड्यू टू हायर कॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ मोर इंटरेस्ट प्रोडक्ट. तो जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रॉब्लम्स, इश्यूज, चैलेंजेस इन कमर्शियल बैंकिंग इन इंडिया, इसे हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू सो मच.